हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग के यूट्यूब रिलेटेड क्वेश्चंस को जो जवाब दे रही थी एंड देन मैंने बोला कि मैं इसका डिटेल वीडियो करूँगी उसके बाद मैंने नहीं किया। मैं ऐसा नहीं था कि मैं भूल गई, मुझे एक सब्सक्राइबर ने याद दिलाया, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैंने उस टॉपिक पर वीडियो नहीं किया करके। बट मैं एक्चुअली यूट्यूब से बात कर रही थी बिकॉज मैं जब भी वीडियो देख रही थी तो बहुत सारे यूट्यूबर्स दे वर नॉट टेलिंग, लाइक उनको बताना अलाउड नहीं बोल रहे थे, तो मैं थोड़ी सी डरी हुई थी। तो मैंने तीन चार लोगों से डिफरेंट चैट पर्सन से चैट करके कंफर्म किया कि नहीं, आई कैन शो माई दिस, इट शुड बी माई दिस, मेरा जो भी है आई कैन शो इट, दिस नो प्रॉब्लम, किसी और का इसमें इंक्लूडेड नहीं रहना चाहिए करके। सो इट वॉज लाइक कि मैं बताऊँ तो आई वॉन्टेड कि मैं प्रूफ के साथ बताऊँ ताकि एक बहुत सारे लोग असमझन है कि ड्रीम वर्ल्ड में है कि यूट्यूब में कुछ काम नहीं करना, बस थोड़े में से बहुत पैसा मिलता है करके। तो ऐसा बहुत बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। तो आई थॉट कि ठीक है चलो मैं खुद से आपको बताती हूँ क्या कितना यूट्यूब देता है, एटलीस्ट मैं मुझे कितना मिला है फॉर 100 व्यूज़, फॉर 500 व्यूज़, फॉर 5000 व्यूज़, फॉर 1 लाख व्यूज़। मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा इज़ 1,85,000 और 90,000 व्यूज़ का। तो उन सब का मैं आपको स्क्रीन शॉट के साथ बता दूंगी कि कितना मुझे अर्निंग हुआ है। एंड ये मेरा ये है, किसी और को इससे शायद ज़्यादा हुआ रह सकता है, किसी और को इससे कम हुआ हो सकता है। ये जो आपको पैसे मिलते हैं वो जो एड डिस्प्ले होता है, एड्स जो प्ले होते हैं आपके आपके वीडियोस पे, उसका पैसा आपको मिलता है। तो वो इट डिपेंड्स कि क्या ऐड प्ले हुआ है। अभी जैसे स्किपेबल ऐड होता है वो ज़्यादा आपको पैसा देता है, रेवेन्यू देता है। जो अनस्किपेबल रहता है वो ज़्यादा रेवेन्यू नहीं देता है। इट डिपेंड्स कि हर कोई आपका ऐड देखना नहीं पसंद करता, वो स्किप कर देता है। तो वो ऐड कंपनी डिसाइड करती है कि आप उन्होंने जो ऐड डिस्प्ले किया आपके इसमें से, एटलीस्ट थोड़ा टाइम देखा किसी ने वो ऐड को, उनको वो ऐड से कुछ बेनिफिट हुआ रहेगा तो ही वो ऐड का रेवेन्यू मिलता है। वरना आपको उस वीडियो में आप भले 10-20 एड्स भी डाल के रखो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अगर पब्लिक देखती है तो ही आपको उसका पैसा मिलता है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एड्स, और उस पर यूट्यूब को कुछ करना ये नहीं है। ओके, मुझे किसी ने पूछा था कि यूट्यूब बहुत पैसे काटता है करके। नहीं, एक्चुअली मैं भी ऐसी गलत फहमी में थी कि यूट्यूब बहुत पैसे काटता है करके। हर एक टाइम के बाद 1 मंथ के बाद शायद हमें नोटिस करने लगते हैं कि हर दिन मेरा पैसा कट हो रहा है करके। बट नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैंने भी चैट करके बात करने की कोशिश की थी तो चैट में मुझे कभी करेक्ट जवाब नहीं मिला। देन फाइनली मुझे एक कंसल्टेंट ने करेक्ट मेरा सारे क्वेश्चन जो थे उसको क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने। तो उसमें वो लास्ट 28 डेज का ये दिखाता है। तो अभी सपोज जैसे मुझे कल का रेवेन्यू, 2 दिन कुछ डिले होकर रेवेन्यू आपको बताता है, तो मुझे अगर 2 दिन पहले का रेवेन्यू मुझे बस $1 हुआ है एंड लास्ट टाइम का जो 28 डे था उसमें $5 था, तो मुझे वो $1 मिल जाता है, माइनस वो $4 हो जाता है। तो मुझे 28 डेज का जब दिखा था पैसे थोड़े कम हो जाते, लेकिन मेरे पैसे कहीं नहीं जाते। पैसे मेरे अकाउंट में, जो यूट्यूब का जो गूगल अकाउंट रहता है, गूगल या आपके जो रेवेन्यू पेज में जो आपको दिखाते हैं उतना पैसा आपको दिखाएंगे। तो आप अगर अपने डैशबोर्ड पर जाकर लास्ट 120 डेज का जब दिखाओगे तो आपको करेक्ट एक महीने का जितना भी आपका 2 मंथ्स का जितना भी पेमेंट होगा या जितना भी आपका पेमेंट हो आपको एग्जैक्टली दिखाएगा। यूट्यूब सिर्फ एक ही बार पैसे डिडक्ट करता है एवरी मंथ एंड पे, जब वो कैलकुलेट करता है कि आपका अर्निंग कितना आया है। वो एक बार अगर आपके गूगल एड अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया, एवरी मंथ दे विल ट्रांसफर, अभी सपोज ये महीने का $10 ही हुआ है तो $10 आपके गूगल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। गूगल अकाउंट में जब आपका $100 हो जाता है तो गूगल आपको पैसे ट्रांसफर कर देता है। सो आपके पैसे कहीं नहीं जाते, हर महीने का जब वो कैलकुलेट करके जितना एग्जैक्ट मनी होता है गूगल अकाउंट में चला जाता है। गूगल अकाउंट में जाने के बाद यूट्यूब आपके पैसे डिडक्ट कुछ नहीं कर सकते, वो उसी में रहता है। जब वहाँ पे आपका $100 का टारगेट खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपको पैसे मिल जाएंगे। एंड पैसे आपको कैसे मिलते हैं, आपको ऑनलाइन बैंकिंग ही होता है, आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। जब फर्स्ट टाइम आपके बैंक अकाउंट में आ रहा होता है पैसा, तब आपको एक बार एक्चुअली बैंक वाले आपको कॉल करके पूछते हैं कि क्या है, क्या आपको इसको ये करना है करके। तो मैंने मेरा पैन कार्ड सब अपडेट किया था, आफ्टर दैट उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द सोर्स, क्यों मिला आपको ये पैसा, तो मैंने बताया मेरा यूट्यूब चैनल ऐसा ऐसा करके, देन वो आ गया। एंड देन एवरी मंथ जब भी मुझे पैसा आता है मुझे मेल जरूर आता है बट मुझे उसको रिवर्ट करने का जरूरत नहीं होता, सिर्फ एक ही बार करना होता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आपको हर महीने के जो 21st to 26th के बीच में आपको पेमेंट मिल जाता है। ओके, एंड देन क्वेश्चन था कि मुझे कितने सब्सक्राइबर्स है मेरे करके, एग्जैक्ट बताती हूँ कितने सब्सक्राइबर्स है करके। जब मैं वीडियो बना रही हूँ एज पर दैट मेरे 4513 सब्सक्राइबर है। मैं चाहिए तो स्क्रीनशॉट कुछ डालकर मैं दिखा दूँगी कितने सब्सक्राइबर्स है। आई शो 4513 सब्सक्राइबर्स है मेरे। क्वेश्चन है कि मैंने ये यूट्यूब अकाउंट कब चालू किया था। मैंने यूट्यूब अकाउंट लास्ट अगस्त में चालू किया था। मैंने जैसा जो देखते मेरा वीडियो उनको पता है इट वॉज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर माई सेल्फ बोलकर मैंने यूट्यूब अकाउंट चालू किया था। तो 9 मंथ्स हो गया, बट 9 मंथ्स से बीच में 1.5 मंथ मैंने कोई वीडियो नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। तो वो एक 1.5 मंथ निकाल दिया, मैंने 7.5 मंथ डेडिकेटली यूट्यूब को दिया है।
उसमें से मुझे 4513 सब्सक्राइबर्स मिले। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, मुझे मेरा फर्स्ट पेमेंट कब मिला था यूट्यूब से? मैंने अगस्त में ये किया, मुझे मोनेटाइजेशन के लिए करेक्ट दिसंबर 11 को मुझे मैसेज आ गया था कि मैं एलिजिबल हूँ मोनेटाइज करने के लिए, मैंने मोनेटाइज कर दिया एंड फेब में मुझे पेमेंट मिला था। 11 दिसंबर 11 से जो था मुझे 60-70 डॉलर ही कुछ हुआ था, तो नेक्स्ट मंथ का वो भी ऐड करके मुझे फेब में मिला था। सो इट इज़ लाइक एवरी मंथ का ये आपको गूगल में अपडेट करता है, कुछ टेंथ एवरी मंथ के टेंथ पे गूगल अकाउंट्स में आपका अपडेट हो जाता है कि आपको कितना रेवेन्यू हुआ है उस महीने का। तो उस हिसाब से अगर ये महीने का टेंथ को मुझे अपडेट हो गया है कि मुझे $100 कंप्लीट हो गया, तो उस महीने के 21st को आपको पेमेंट मिल जाएगा। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके एंड हाँ, बहुत लोगों ने पूछा था एक महीने मिल गया तो एवरी मंथ आपको ये मिलता रहता है क्या? नहीं, ये बहुत गलत बात है। मेरे बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी बोलते हुए सुना है कि आपको एक महीने पेमेंट आना चलोगे तो उसके बाद एवरी मंथ आपको आता रहता है। ऐसा नहीं है, एवरी मंथ आपको $100 का टारगेट है एवरी मंथ। तो एवरी मंथ आप $100 टारगेट कंप्लीट करते हो तब भी आपको पेमेंट आता है, वरना नहीं आता। सो ऐसे मत सोचो कि फर्स्ट ही आपको करना है, उसके 2-3 हज़ार रहेगा तो भी यूट्यूब सेंड कर देगा। एक्चुअली मुझे भी ये बात पता नहीं था एंड जब फर्स्ट पे सेकेंड पेमेंट आया ना, तो आई वॉज लाइक कि नहीं आ जाएगा, यूट्यूब दे देगा बोल के। तो वो 29-30 हो गया, तो इतना तो लेट होने का ये नहीं होता। तो मैंने मैसेज किया, तभी भी मुझे कुछ करेक्ट यूट्यूब का जो कंसल्टेंट है उनसे जवाब नहीं आया। देन फिर एक जन ने मुझे करेक्टली बताया कि नहीं, दिस थ्रेशोल्ड इज़ फॉर एवरी मंथ आपको $100 कंप्लीट करना तब भी आपको आपके पेमेंट मिलते, वरना नहीं मिलता। वो $1 भी कम रहेगा $100 के लिए तो भी नहीं मिलता, तो भी वो नेक्स्ट मंथ ले आता है। आपके पैसे कहीं नहीं जाते, आपको नेक्स्ट मंथ में वो कैरी फॉरवर्ड होकर आपको मिल जाता है। ओके, तो मैं आप लोग को बीच बीच में अपना कितना मुझे अर्निंग्स हुआ वो भी मैं दिखाती हूँ, और जो आपके क्वेश्चन है वो भी मैं बताती जाती हूँ। तो मैं आप 500 व्यूज़ के कितने मिले मुझे, मैं उसमें से स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा 500 व्यूज़ जो अभी रिसेंट आया है आजियो का हॉल का, उस पर ये दिया है, पे ये दिया गया है एंड उसका मुझे मिला है $0.45, मीन्स 50 पेंस, लाइक $1 से भी कम है, 0.45। मुझे ये 1000 व्यूज़ के मुझे मिले हैं $0.65। सो आप समझ सकते हो, अभी 500 व्यूज़ के मुझे 0.45 मिला, तो यहाँ पे मुझे 1000 व्यूज़ के 0.65 मिला। ऐसा नहीं कि 0.90 या $1 मिला है, बिकॉज 0.45 का डबल, अगर 500 का डबल करेंगे तो $90, $0.90 होना चाहिए, बट वैसा नहीं है। सो मैं इसलिए बोल रही थी कि इट ट्रूली डिपेंड्स ऑन एड जो आपके इस पे डिस्प्ले किया गया है। इसलिए आप कभी भी किसी भी यूट्यूबर्स का एग्जैक्ट अमाउंट कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हाँ इसको इतना मिला होगा, उसको इतना मिला होगा। मेरा जो मैं आपको बता रही हूँ उसके हिसाब से आप किसी का भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हाँ इसको इतना एग्जैक्ट अमाउंट मिला होगा। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन दी एड जो उनके चैनल पर डिस्प्ले हुआ है। ओके ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ दी लाइक कितना है मैक्सिमम अमाउंट आपको क्या लगता है कि हम अर्न कर सकते हैं? जैसे यूट्यूबर्स बोलते इतने लाखों कमाते हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं आपके हिसाब से क्या है करके? आई डोंट फील सो कि जस्ट ट्रूली उनका इनकम सिर्फ यूट्यूब से होता होगा। यूट्यूब से 3-4 लाख कमाना इज़ लाइक बहुत बड़ी बात है। 3-4 लाख शायद उसको मिलता होगा जिसका पर डे पे 5-6 लाख का व्यू आता होगा, जो एकदम टॉप लिस्ट में, अभी जो फ्लाइंग बिस्ट है वो एकदम लाइक टॉप लेवल में है फॉर ब्लॉगिंग एंड एवरीथिंग। उनको शायद पर डे का व्यूज़ के लिए इतना उनको पर मंथ में पैसा मिलता रहेगा। ये यूट्यूबर्स जो भी मेनली है वो सिर्फ यूट्यूब से पैसा नहीं कमाते, वो आपको पहला बात समझना है, क्योंकि जो टेक्निकल लाइन में जो होते हैं उनको पैसे कमाना इज़ वेरी ईजी, उनके लिए एस्टैब्लिश करना इज डिफिकल्ट इनिशियल स्टेज, बट पैसे कमाना उनके लिए बहुत ईजी, बिकॉज उनको सोर्सेज बहुत है। जैसे नया फ़ोन आ गया तो उनको कोई कोई नए फ़ोन ऐसे फ्री में देते हैं, इफ़ योर नोन पर्सन बहुत अच्छे टेक्निकल गुरुजी एंड ऑल, उनको सब फ्री में फ़ोन आ जाते रहेंगे एंड दे जस्ट रिव्यू एंड दे गिव इट बैक, या जो भी रहेगा, या तो फिर एक रिव्यू करने का, या कोई भी एक, अभी जब भी आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखते हो वो लोग कोई भी एक ऐप या किसी भी चीज़ को अगर वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि आप ये ऐप यूज़ करके देखो, या ये अच्छा है, या मनी देखो, या कैश करो, वो सब जो ऐप्स आते हैं वो ऐप्स को अगर प्रमोट कर रहे, दैट मीन्स दे आर पेड फॉर दैट, वो उनको पे करके उनको ऐड प्रमोट्स करे। तो YouTube में पैसे कमाने का तरीका बहुत सारा है, सिर्फ वीडियोस से ही पैसा मिलता है ऐसा नहीं है। सो अगर वो लोग बोल रहे कि मुझे पर मंथ का इनकम 1 लाख रुपीज़ होता है, तो 1 लाख में हार्ड अर्न मनी सिर्फ YouTube से नहीं आता, उसमें उनका 30-40 हज़ार उनको बाहर से उनका जो प्रमोशन से उससे आया होगा। 1 लाख एग्जैक्टली सिर्फ इसी से बनाना इज़ डिफ़िकल्ट, अनटिल अनलेस वो उतना बड़ा सब्सक्राइबर हो, उसके हर व्यूज़ के एटलीस्ट उसको 1 लाख का व्यूज़ आता रहेगा एवरी वीडियो पे, एंड हर मतलब हर दिन में, हर हफ्ते में एटलीस्ट वो 4 वीडियो सब अपलोड करता हो, तो जाके पॉसिबल हो सकता है, वरना इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उनको इतना पैसे मिले करके।
एंड किसी ने बोला था कि यूट्यूब में पैसे कमाना बहुत इजी है, मुझे लगता है कि बस वीडियो बनाओ और डाल दो एंड यू बिकम रिच। मुझे आपका नाम नहीं लेना कि किसने बताया, बिकॉज वो लेटर ऑन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब में पैसे बनाना इतना ईजी है, तो आई वुड चैलेंज यू कि आप एक वीडियो डालो यूट्यूब में और मुझे बताओ कि कितने लोग देखते हैं वो वीडियो। यू फील कि यूट्यूब में पैसे कमाना बहुत ईजी है, बस आओ बैठो वीडियो बनाओ और आपको पैसे मिल जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यूट्यूब में पैसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कितने सारे यूट्यूबर्स हैं। एक टाइम हुआ करता था जब ये माइट भी थोड़ा ईजी हुआ करता था, बिकॉज यूट्यूबर्स कम थे। एक टॉपिक में यूट्यूब के वीडियोज़ बनाने सिर्फ 10 लोग ही रहेंगे, अभी एक टॉपिक पे यूट्यूब वीडियोज़ बनाने 10,000 लोग हैं। तो इन सबके वीडियोज़ ऊपर आए, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी कितने सारे अपने यूट्यूबर्स, मतलब एक बच्चा पैदा होता है उससे डबल स्पीड में 2-3 यूट्यूबर्स पैदा होते होंगे आजकल। सो अभी यूट्यूबर्स का कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो लाइक अर्लियर जैसा होता था कि बहुत ईजीली आपको ये मिल जाता है, उतना ईजी नहीं होता। एंड सी, आप बोलते हो ना कि इतना ईजी है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि अभी जैसा मुझे मिला कि 3-4 महीने में मेरा मोनेटाइजेशन हो गया, मुझे पेमेंट मिला। एवरी वन वोंट बी दैट लकी। आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इतना जल्दी ये पॉसिबल हुआ। देर आर माई फ्रेंड्स या मेरे मम्मी के फ्रेंड्स हैं जिनको 5-6 साल लग गए उनको, उसके बाद उनका फर्स्ट पेमेंट आया। तो वो आंटी ने लिटरली दी, शी कॉल्ड माई मम्मी एंड उन्होंने पूछा कि प्रीति को फर्स्ट पेमेंट मिल गया, तो शी सेड यस यस करके। तो शी वॉज लाइक कि नो, उसको बोलना कि बिल्कुल भी बंद ना करे, मुझे 5-6 साल बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था, उसको इतना जल्दी मिला है। तो उसको बस बस बोलो कि उस पर फोकस करके रहे, स्लो एंड स्टडी शी विल ग्रो। अभी भी जब व्यूज कम आ जाते हैं, लाइक हम इतना दिन भर, मुझे 2 बच्चे हैं छोटे, 1 चाइल्ड इज 3 ईयर ओल्ड, सो डे में फुल मैं बहुत बिजी रहती हूँ। ये रिकॉर्डिंग करने के लिए बीच बीच में जब वो सो ही रहती, तभी आई मेक आउट टाइम एंड आई डू वीडियोज। एंड एडिटिंग में रात को 12-1 बजे करती हूँ, जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद मैं एडिटिंग करती हूँ, बिकॉज उतना भी मेरे पास टाइम नहीं होता कि बैठ के एडिटिंग करूँ। बिकॉज मेनली आप यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे बोलो तो आपको कोई भी एनकरेज करने वाला पर्सन वुड बी जीरो, आपको कोई एनकरेज नहीं करेगा, बिकॉज कोई भी आपको ये यूट्यूबर का ये एज अ प्रोफेशन लेता नहीं है। अंटिल अनलेस यू बिकम अ न्यू नोन यूट्यूबर और आपको अच्छे खासे पैसे मिलने चालू करें, उसके बाद आपको शायद आपकी फैमिली सपोर्ट करे। तब तक आपको एज अ यूट्यूबर आप जब बोलो कि नहीं मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, आपको कोई सपोर्ट नहीं आएगा। बिकॉज सबको यही लगता है कि यूट्यूब की आइडियाज़ बकवास, कुछ नहीं है, ऐसे बैठे बैठे इनको पैसा मिल जाता है, यूट्यूब में क्या इतना कुछ ऐसा मेहनत का काम नहीं है, दे कैन अर्न ऑल्सो, इट इज़ नॉट अ बिग डील। और किस किस को ऐसा लगता है कि नहीं ये तो क्या कुछ भी करो तुमको पैसा मिलने नहीं वाला है, जस्ट टाइम पास है। देर आर सो मेनी पीपल हु सेड वी हैड मेड यूट्यूब वीडियोज़ एंड वो कुछ सक्सेस नहीं हो रहा, ऐसे टाइम एंड पैसा बर्बाद हुआ करके। सो इट डिपेंड्स हाउ इट इज़। मैं अपना यूट्यूब वीडियोज़ छोड़े बगैर मैं पकड़े रखी, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई मॉम। बेचारी वो मेरा थोड़ा व्यूज़ कम हो जाता है, पहले से मेरे 1,000-1,000 व्यूज़ आते थे, कोई भी वीडियो डालो मुझे 1,000 व्यूज़ तो आते थे, आजकल वो 1,000 से जाके 500 व्यूज़ हो गए। तो माई मॉम वो मुझे सेंड करती रहती है कि देखो दूसरे भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके भी व्यूज़ कम हो गए, नॉट ओनली योर्स, यू डोंट गिव अप, यू कीप ऑन मेकिंग वीडियोज़, पैसे आए ना आए डजेंट मैटर, यू जस्ट कीप ऑन मेकिंग वीडियोज़। तो वो मुझे हमेशा पुश करते रहते, मैं थोड़ा सा लो हो भी जाऊँ ना तो वो पुश करके मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालने के लिए। एक दिन मेरा वो दिन पे वीडियो नहीं आता, तुरंत मेरे मम्मी का कॉल आता कि तूने आज वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया करके। तो देयर शुड बी समवन, क्योंकि यूट्यूब में आपको ग्रो करना ना इट इज़ डिफिकल्ट, आपको कोई सपोर्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपको ये एज अ काम कंसिडर किया नहीं जाता, यू विल बी ऑल अलोन, आपको अकेले में फाइट करना होता है। एंड टच विद माई हस्बैंड, ही इज़ ऑल्सो सपोर्टिव, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं, इनिशियल स्टेज में वो भी इतना ये नहीं था, उसका सर था क्या यूट्यूब ऐसा ये करना है, तो मुझे काम पे जाने का ये था कि नहीं आई स्टार्ट वर्किंग नाउ, तो उनको ऐसा अगर कि ठीक है चलो यही उसको ट्राई करके देख देते, सो दैट आई विल बी एट होम ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग आउट, एंड अगर ये क्लिक हो जाता है तो मुझे एक मेरा खुद का काम बोल के ये हो भी जाएगा ना, आई वॉन्ट ईट हिज हेड अगेन कि मुझे काम पे वापस रिटर्न जाना है, काम पे वापस रिटर्न करना जाना है बोल के उनका दिमाग भी नहीं खराब करूँगी करके। सो इट इज़ नॉट दैट ईजी। आप लोग को लगता है कि यूट्यूब इज़ वेरी ईजी, इट इज़ नॉट दैट ईजी। और अगर आप यूट्यूब में सिर्फ मनी बनाने के इरादे से आए हो तो अभी कभी छोड़ दो यूट्यूब, आपको ऐसा कभी नहीं आएगा। ये सब आपको मनी आएगा स्लो एंड स्टडी, बट सिर्फ मनी बनाने के एम से आए हो तो नहीं पॉसिबल है। एंड यूट्यूब वीडियो सिर्फ यूट्यूब, अगर आप नए हो यूट्यूब में, सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ बनाने के लिए एक एक चीज़ खरीद के मत डालना, बिकॉज सी आई एम टेलिंग यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं दूसरों के इसमें से कुछ नहीं बोल रही हूँ, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब मैंने यूट्यूब चैनल किया था मुझे भी पता नहीं मेरा चैनल रन होगा कि नहीं होगा, मैंने ऐसा टारगेट रखा था कि क्योंकि मैं जब सुनती थी मेरे एक एक फ्रेंड्स है उनको 2-3 साल हो गए फर्स्ट पेमेंट नहीं आया, एंड जो लोग बोलते हैं फर्स्ट पेमेंट मुझे मिला है, $1 का मुझे पेमेंट आया, $6 का मेरा फर्स्ट पेमेंट आया, वो $6 का फर्स्ट पेमेंट आया ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो $6 उनको गूगल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ जाता है, उनको हाथ में नहीं मिला होता वो $6, उनको अंटिल अनलेस $100 नहीं होता उनको कुछ भी पैसे नहीं मिलते।
तो वो जो बोलते मुझे $6 मेरा फर्स्ट पेमेंट था या मेरा इतना डॉलर्स मेरा फर्स्ट पेमेंट था, वो फर्स्ट पेमेंट उनका गूगल अकाउंट में आता है कि इस महीने का इतना पैसा बना है, एंड वो गूगल अकाउंट में चला जाता है एंड आफ्टर आपका टारगेट कंप्लीट हुआ आपको वो पैसे आ जाते हैं। तो इन्होंने सबने बोला था कि नहीं इनको 2-3 साल हो गया अभी भी इनका फर्स्ट पेमेंट ऐसे है, उनको ऐसा थ्रेशोल्ड कंप्लीट करके पैसे नहीं मिले। तो आई थॉट ठीक है एटलीस्ट 1 ईयर आई विल गिव अ ट्राई, 1 ईयर में भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता तो मैं छोड़ दूंगी। एंड वो 1 ईयर आई थॉट जो मुझे ज़रूरत है या जो मेरे काम की चीज़ें मैं सिर्फ वही खरीदूंगी, वीडियो बनाने के लिए मैं कुछ खरीद के या यही नहीं करूँगी, बिकॉज आई डिडंट वॉन्ट कि मैं एक बार बनाऊँ एंड देन बाद में फिर कुछ मुझे प्रॉफिट नहीं मिला तो आई शुड नॉट बी सैड। ये ऐसा है कि एक चला तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, मैंने अपना पैसा बर्बाद नहीं किया, दैट सॉर्ट ऑफ। इसलिए हमेशा यूट्यूब में आप सेफर साइड में रह के खेलिए। अगर इफ़ यू हैव मनी, आपके पास बहुत पैसा है, डजेंट मैटर कि आप कुछ खरीद के ऐसे ऐसे डाल भी दो तो इट्स वेल एंड गुड। सॉरी ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था कि मैं इसको कैसे भी करके मैं एक में कंबाइन करना चाहती हूँ, बट इट्स नॉट हैपनिंग। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, सो मैं आप लोग को गाइड करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ रियलिटी। इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बना रही हूँ, ये अभी एक पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपको वेनसडे अपलोड हो जाएगा। दिस वीक में वेनसडे को मैं सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दूँगी, सो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। बस आज के लिए बस इतना ही गाइज, आई होप मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाई विच वॉज़ यूजफुल फॉर यू गाइज। और भी कुछ भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं ज़रूर आप लोग को हेल्प करूँगी, जो भी मुझे पता है मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डोंट वरी बी हैप्पी।